हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं तग्गू राजस्थानी, खामू राजस्थानी का पीड़ित पति। दोस्तों, आज मेरे आगे एक वीडियो आया है और वीडियो देख के मुझे काफी असंभवित हुआ। शायद पता हो कि मैं किस बारे में बात करने जा रही हूँ आप लोगों से। निशा लांबा, उन्होंने मुझे 4,000 रुपए क्लेम के लिए मुझे चोर बना रही है। वो मेरी औकात नहीं है 4,000 रुपए की क्रीम खरीद के लगाने की। बताओ, और आप लोग मुझे चोर चोर बोल रहे हो यार। जब वो मेरे पास क्रीम भेजी, अगर मुझे नहीं प्रमोशन, उसके क्रीम का प्रमोशन नहीं करना रहता तो मैं क्यों अपने पास मंगवाती? बताओ मुझे, नहीं मैं क्यों मंगवाती? मंगवाई भी तो प्रमोशन करने के लिए मंगवाई ना। अब प्रमोशन करने भी जा रही हूँ तो वो मेरी आईडी खरीदने की बात कर रही है। 40,000 रुपये वो मुझे देती और एक महीने में 15 बार उनके क्रीम को लेके मैं वीडियो बनाती अपने आईडी पे। ऐसे बनाने के लिए बात बोल रही थी और डेली स्टोरी रखने की बात कर रही थी अपने इस क्रीम का, इन सब क्रीम का है। इनका क्रीम मैंने कहाँ से खोला है? जब मैं उनकी इस बात पे एग्री नहीं हुई तो वो मेरे खिलाफ वीडियो बना के डालने की बात कर रही है और उन्होंने बना भी दिया। फर्स्ट टाइम भी उन्होंने मुझे धमकी दिया था, साथ साथ कोलैब करने की बात कर रही है। वो साथ साथ कोलैब करने के लिए मेरे से बोल रही थी, मैं साथ कोलैब नहीं एक्सेप्ट की तो मुझे फिर धमकी दी। 4,000 से 5,000 के इनके क्रीम है, इनके क्रीम वैसे ही आप लोग देख लीजिए। ये फेस वाश है, इसको मैंने खोला तक नहीं है। अगर मेरा रखने का मकसद रहता तो इसको मैं यूज करती। इतना मुझे सुंदर बनना रहता, इतना मुझे गोरा होना रहता तो। और ये मैं ये वो साक्षी खुद खोल के भेजी थी, आप लोग देख लो। ये खुदा देख करके काम करती हूँ, वीडियो शूट करती हूँ, छत में धूप में जा रहा, गर्मी बरसात सब में। आपको थोड़ा सा भी दिल में ये नहीं है कि हाय अरे बेटी ही लगूंगी मैं तुम्हारी बेटी ही लगूंगी और मुझे चोर चोर बोल रही हो? बाल मैं लगवाने के लिए तुम्हारे पास आई, मैंने तुमसे कांटेक्ट किया। कोलैब की बात मैं नहीं कर रही थी, कोलैब की बात तुमने मेरे से स्टार्ट किया। ये लोग ऐसे करके मुझे बहुत डिप्रेशन में डाल रहे हैं, प्लीज। एक महिला है लंबा लंबा करके, वो भोली भाली महिलाओं को अपने जाल में फंसाती है और फिर उसे हरेसमेंट करती है और डराती है और धमकाती है। तो लांबा जी ने पहले मेरे ऊपर भी एक वीडियो बनाया और मुझे भी डराया व धमकाया कि मैं मुक्का मार दूंगी, ऐसे कुछ काफी वीडियो वायरल हुआ था। फिर मुझे पता चला कि भाई ये प्रोडक्ट का काम करती है और उसे हमारी जो पीड़िता है वो घमूड़ी भी संपर्क में है, वो भी प्रोडक्ट लेती है और प्रोडक्ट का प्रचार करती है, उसके बदले में कुछ डॉलर दिए जाते हैं, इनका लेन देन होता है। और उसने इसके फेवर में वीडियो भी बनाया था और उसने एक उस वीडियो के अंदर बताया था कि महिला को काटती है। तो आज उसने वो कर दिखाया। आज मेरे आगे एक अंजलि नाम का वीडियो आया और वो बेचारी रो रही थी और वो कह रही थी कि उसके ऊपर लांबा ने 4,000 रुपये चोरी का आरोप लगाया है और कोई प्रोडक्ट को लेके एडवर्टाइज का मामला था और उसे वो टॉर्चर कर रही लांबा। और पूरा मैंने वीडियो देखा, उसमें लांबा की पूरी गलती थी और अंजलि सही थी। मैंने पूरा वीडियो दोनों का देखा और उस लांबा के कॉन्टेक्ट इस खमुड़ी से भी है और इनका प्रोडक्ट का मामला चल रहा है, एड भी दे रही है, तो एक दिन इसके भी पाप का घड़ा फूटने वाला है।
तो ऐसी कई महिलाएं हैं जो इसके जाल में फंसी हुई है। तो मैं सभी महिलाओं से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप दूरी बनाएं और सावधानी बरतें, क्योंकि उस महिला जो लंबा है उसका बारे में मेरे पास काफ़ी डाटा है और बैकग्राउंड ठीक नहीं है। और आज जो अंजलि का मैंने वीडियो देखा तो मुझे काफ़ी दुख हुआ और उसे बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, चोरी के आरोप लगाए जा रहे हैं, डराया भी जा रहा है, धमकाया भी जा रहा है। तो भाई बड़े यूट्यूबरों को ऐसे काम नहीं करने चाहिए। आपको देना है तो कंडीशन तय करिए, प्रोडक्ट का प्रसार करना है तो, और ऐसे आप कोई प्रोडक्ट देते हो और लेते हो तो फिर उसको ऐसे हरेसमेंट नहीं करना चाहिए। अब बेचारी वो अंजलि रो रही है और वीडियो बना रही है, उसकी पूरी पूरी जो बातें हैं मुझे अच्छा चलेगी और मेरी जानकारी में आया है वीडियो। तो मेरा सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि सावधानी से काम करें, ऐसे जाल में नहीं फंसें, क्योंकि हमारी जो पीड़िता है घमुड़ी वो भी इसी के जाल में फंसी हुई है। और बकायदा आपने देखा होगा कि ऐड भी देती है और इनका लेन देन भी चलता है, इनका स्टेटमेंट चेक किया जाए तो इनका लेन देन काफ़ी हो चुका है। और मैंने पूर्व में भी बताया था कि उसको डॉलर दिया गया है और उसके एक बीच में दलाल जी है, वो भी दलाली का काम करती है। तो आज खुलकर कुछ मामला सामने आया है, बहुत ही मामला गंभीर है। और एक महिला को जो काटने का नारा दे रही थी, आज वही अपने हाथ से महिला को काट रही है। दूसरों को तो सलाह दे रही थी कि भाई आप महिला हो, महिला का सपोर्ट करो और महिला को मत काटो, पुरुष को काटो। तो जी जो शिक्षा दे रही थी वही आज एक महिला को टॉर्चर कर रही है, परेशान कर रही है, चोरी के आरोप लगा रही है और हरेसमेंट कर रही है। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, आज उसको कर रही है और इसका घमुड़ी का नंबर भी लग सकता है, क्योंकि पाप का घड़ा तो फूटना ही है, ये क्लियर है। गलत काम होते हैं वो गलत ही है, किसी को बेवजह परेशान करना भगवान देख रहा है। और मेरे ऊपर भी उसने काफ़ी वीडियो बनाए और मुझे भी डराया गया, धमकाया गया, मैं ऐसे कर दूंगी, ऐसे कर दूंगी, ऐसे कर दूंगी, और थोती थोती धमकियाँ दी गई। लेकिन मैं नहीं डरा, मैंने बिल्कुल करेक्ट सामने रिएक्शन का वीडियो भी डाला था, आप देख सकते हो मेरे तग्गू राजस्थानी चैनल पर, मैंने बिल्कुल रिएक्शन में वीडियो डाला था, आज से एक महीने पहले की बात है। और आज जब मैंने ये ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था तो मैंने देखा क्या है, बार बार मेरे आगे वीडियो आ रहा था, मैंने कहा है क्या रियली, दोनों का वीडियो देखे। और दलाल जी की तो डॉलर खाए हुए है, तो वो भी बीच में उसके फेवर में वीडियो बना रही थी, काफ़ी बना रहे थे। लेकिन मुझे लांबा बिल्कुल गलत लगी, इसलिए मैं सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि मेरे हिसाब से और मेरी थिंकिंग से, मेरे दिमाग से मुझे अंजलि सही लग रही है, आप अंजलि का समर्थन करें, क्योंकि ये प्रोडक्ट वाला मामला है, इसमें बिल्कुल उसके ऊपर जो चोरी के आरोप लगा रही है वो गलत है और उसे जो धमका रही है, क्योंकि वो आजतन है और पहले भी कई लोगों को धमका चुकी है। मैं खुद कहता हूँ मैं पीड़ित हूँ और मुझे मेरे घर के मामले में भी मेरे ऊपर वीडियो बनाया और मुझे धमकाया गया, मुझे कहा मुक्का मार दूंगी, कई तरह तरह की गालियाँ निकाली गई। तो भाई लोगों आपसे निवेदन है कि आप सच्चाई का चाहते क्या है रियलिटी, मुझे तो अंजलि सही लगी। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए,
और मेरा वीडियो शेयर कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।